नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जब आप ईमेल सेंड करने लगते हो, अपने वहाँ पे जीमेल ऐप सेंड करते हो जीमेल से, तो वहाँ पे आपको देखने को कभी न कभी मिला होगा दोस्तों टू सीसी और बीसीसी का। जी हाँ दोस्तों, ये ईमेल में दोस्तों सीसी और बीसीसी का क्या काम है। टू का तो आप समझ सकते हो कि टू आप में आपको जिसको सेम ईमेल आपको सेंड करना है उसी की आप वहाँ पे ईमेल आईडी डालते हो, उसके बाद आप सेंड कर देते हो, तो टू का आपको पता लग गया। तो सीसी और बीसीसी भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन क्यों दिया जाता है, इसका क्या यूज होता है, ये सब मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। ये आपको करना क्या है दोस्तों, आप वीडियो स्टार्टिंग से पूरा तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से पूरा तक जरूर देखें। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, जब आप वहाँ पे अपना जीमेल वहाँ पे आप अपना एक ऐप खोलते हो या फिर आप ईमेल वहाँ पे अपना ऑप्शन आप खोलते हो, तो जैसे ही आप कंपोज वाले सेक्शन में जाते हो नया ईमेल सेंड करने के लिए, तो आपको वहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, टू का, सीसी का और बीसीसी का। तो टू वाले सेक्शन में आपको जिसको ईमेल सेंड करना है आप उसकी वहाँ पे ईमेल आईडी वहाँ पे डाल देते हो, और आप नीचे वहाँ पे सब्जेक्ट रहता है और उसके बगल वहाँ पे नीचे आपको जो भी ईमेल लिखना रहता है वो आप वहाँ पे लिख के वहाँ पे ईमेल सेंड कर देते हो। लेकिन सीसी और बीसीसी का भी ऑप्शन दिया रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो सीसी का ऑप्शन मतलब ये होता है दोस्तों, पहले फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। जी हाँ, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो जैसे, और बीसीसी का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जी हाँ, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी में होता क्या है मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप टू वाले ऑप्शन में कोई ईमेल आपने लिखी, आपने एक ईमेल आपको वहाँ पे कंपोज करना है, तो आपने वहाँ पे टू वाले सेक्शन में ले जाके किसी की ईमेल आईडी डाल दी, इसको आपको ईमेल सेंड करना है, सब्जेक्ट लिखा और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आप सीसी में जैसे ही आपको किसी को वहाँ पे कार्बन कॉपी भेजनी है कि मैंने उसको एश्योर करना है कि मैंने इनको ईमेल कर दिया है, तो उसको कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप उसकी भी ईमेल आईडी वहाँ पे डाल दो सीसी वाले में कार्बन कॉपी की, तो आपने और उसके बाद मेल सेंड कर दीजिए। तो होगा ये कि वो ईमेल तो टू वाले को जिसको आपको भेजना है वो तो चला ही गया, प्लस एक उसी ईमेल की एक कार्बन कॉपी जो आपने सीसी में ईमेल आईडी डाली है उसको भी चली जाएगी, और उसको पता लग जाएगा कि इसने, जैसे मैंने दोस्तों और टू वाले को मतलब कि क्या ईमेल भेजा है, उसको सीसी वाले को भी पता लग जाएगा, तो उसको एक कॉपी, कार्बन कॉपी मिल जाएगी। यही होता है सीसी। अब सीसी में होता क्या है कि जैसे ही आपने सीसी में वहाँ पे ईमेल आईडी डाली, तो वो टू वाले को पता रहती है। जी हाँ, कि टू वाले को पता लग जाएगा कि इसने मेरे वहाँ पे जो इसने मुझे एक ईमेल सेंड किया है उसके कवर कार्बन कॉपी इस मेल आईडी को भी इन्होंने भेजी है, तो टू वाले को पता रहता है सीसी वाले की ईमेल आईडी, और उसको भी पता रहता है कि ये ईमेल जो मुझे आया है इसकी कार्बन कॉपी किसी और को भी गई है। ये हो गई बात सीसी की और टू की। अब बात यहाँ पे बीसीसी की। तो बीसीसी का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बीसीसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आपने कोई ईमेल आईडी डाली, वहाँ पे सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन लिख के कंपोज आप मेल पे गए, वहाँ पे टू में डाल दिया, टू में जिसको आपको मेल सेंड करना है उसको आपने वहाँ पे एक दो या कई फिर आपने मेल आईडी वहाँ पे डाल दी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे कि आपको एक वैसी वहाँ पे गुपचुप तरीके से कार्बन कॉपी भेजनी है कि यहाँ पे जिसको मैंने ईमेल आईडी भेज रहा हूँ, ये ईमेल भेज रहा हूँ पर्टिकुलर टू वाले में जितने ही लोगों को भेज रहा हूँ उनको पता ना लगे कि मैंने इनको ईमेल भेज दिया है, लेकिन वहाँ पे एक इसकी कॉपी मैं एक और अपने बॉस को भेज दूँ। ये इस केस में दोस्तों बीसीसी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऑफिशियल में ज़्यादा इसका यूज होता है। वहाँ पे क्यों यूज होता है पहले आप समझ लीजिए। वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बीसीसी में ज़्यादातर बॉस लोग को रखा जाता है। बॉस लोग को इसलिए रखा जाता है कि उनको बताया जाता है कि मैंने इन लोग को ईमेल कर दी है, या फिर दोस्तों वहाँ पे जैसे कोई आपसे वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको अपने बॉस ने बोला कि जल्दी से आप एक पीपीटी बनाइए और इस कंपनी को फला फला यहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो आपने क्या किया, एक पीपीटी बनाया, सब्जेक्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन लिख के सब कुछ बना दिया, उसके बाद टू में दोस्तों उस कंपनी की ईमेल आईडी आपने डाल दी। फिर आपने क्या किया, आप अगर उसको भेज देते हो तो बॉस को तो पता नहीं है कि दोस्तों उसने ईमेल आईडी भेजी कि नहीं भेजी, तो आप क्या करते हो बीसीसी में जाके बॉस का वहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल के वहाँ पे सेंड कर दोगे। तो होगा ये कि कंपनी को तो आपके ईमेल आईडी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बॉस ने बोली थी वो तो पहुँच गई उनके पास, वो उनको मिल गया, लेकिन उस साथ साथ होगा कि एक कार्बन कॉपी बॉस को भी चली जाएगी उनके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, तो बॉस को भी पता लग जाएगा कि इस आदमी ने, मेरे एम्प्लॉई ने इस कंपनी में जो मैंने पीपीटी बोली थी वो बना के भेज दी है। तो यही होता है सीसी और बीसीसी का डिफरेंस। और हाँ, ये आप जान लीजिए कि बीसीसी में जो भी ईमेल आईडी आप डालते हो वो टू वाले को पता नहीं रहती है कि इसने मेरी एक कार्बन कॉपी इस ईमेल की किसी और को भी भेजी है, जबकि सीसी वाले में पता रहती है। तो यही होता है मेन डिफरेंस यहाँ पे सीसी और बीसीसी में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर अभी भी आप कुछ में समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है,
तो जाइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं उसको डेफिनेट जरूर दूंगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप मैं अच्छी अच्छी पिक्स पोस्ट करता रहता हूँ। साथ में लगे कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। हैंडल आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा करें। क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना नॉलेज बेल टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस डेली लेके आता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।